मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बायो, जो अपनी हिंदी मीडियम की जो क्लास है उसके लिए दो पार्ट हमने इस पार्ट से संबंधित भेज दिए थे पहले, और ये हमारा पार्ट थ्री होगा, ठीक है। और इससे जो पूर्व के जो पीरियड थे उनमें हमने क्या पढ़ा था, उसके पूर्व में हमने पढ़ा था पारगम्यता को, आपको शब्द याद होगा पार गम्यता, परमिबिलिटी जो होती है, यानी कि जो पारगम्यता होती है वो एक गुण होता है कोशिकाओं का, जिससे होकर जल के अणु वगैरह जो होते हैं या फिर पदार्थ के जो अणु होते हैं वो उसके आर पार जा सकते हैं, और इसके आधार पर, पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां होती हैं अपनी, ठीक है, वो कई प्रकार की हमने पढ़ी थी, और इसमें से एक शब्द हमने पढ़ा था, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, अर्ध पारगम्य है, ध्यान आपको, अर्ध पारगम्य, ठीक है। सेमी परमिबिलिटी जो होती है, यानी कि अपारगम्यता जो होती है, उसका अर्थ क्या होता है, देखिए इन शब्दों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, किस किस से, एक है विलायक, जिसमें कोई भी चीज घुलती है, मोस्टली विलायक जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, ठीक है, हालांकि ध्रुवीय है, ध्रुवीय प्रकार के विलायक भी होते हैं, लेकिन यहां हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जल की बात कर रहे हैं। विलायक प्लस विलय, विलय जो कि विलायक के अंदर डाला जाता है, और इन दोनों के मिलने से जो बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसे हम विलयन के नाम से जानते हैं, ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इनके संदर्भ में हम अर्ध पारगम्यता की अगर बात करें, तो अर्ध पारगम एक चयनात्मक पारगम्यता ही होती है एक्चुअल में, लेकिन होता क्या है, कई बार हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, हमारी जो क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में क्या करती है कि केवल विलायक के अणुओं को अपने से पार जाने देती है, यानी कि मान लीजिए कि ये कोशिका झिल्ली है और, ठीक है, इधर विलयन है, एक क्या है, विलयन है, समझ गए, और इस विलयन में क्या है, विलायक के अणु भी हैं और विलय के भी अणु हैं, तो इस झिल्ली से केवल ये सांद्रता पर डिपेंड करता है कि उसके दूसरी तरफ जो सांद्रता है विलयन की वो कैसी है, उच्च सांद्रयुक्त है या निम्न सांद्रता युक्त है, ठीक है, वो सांद्रता किसकी सांद्रता होनी चाहिए, विलायक की सांद्रता होनी चाहिए, हालांकि विलय की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर दो परिभाषाएं बन के सामने आएंगी, देख बाद में बताएंगे इनको। तो कहने का मतलब है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किन का पारण करे, सिर्फ और सिर्फ अपने से होकर किन को जाने दे, अपने से होकर यदि किसे जाने देती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको, विलायक के अणुओं को अगर जाने देती है, विलायक के अणुओं को अगर जाने देती है, तो इस तरह की जो झिल्लियां होती हैं वो क्या होती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती हैं। ये बात ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या काम करती है, वो करती है कि सिर्फ अपने से होकर वो विलायक के अणुओं को पार जाने देती है, विलय के अणुओं का पूर्णतः विरोध करती है, तो ऐसी जो झिल्लियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं, जिनसे केवल विलायक के अणु जा सके, ठीक है, विलय के नहीं, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। तो इन्हीं अर्ध पारगम्य झिल्ली और अर्ध पारगम्यता के आधार पर हमना अपना जो अगला टॉपिक है वो इसी चीज पर डिपेंड करता है, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, इसे याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परासरण, क्या है, परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं इसको, हम इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण, जिस तरह से डिफ्यूजन था उसी प्रकार से परासरण है, परासरण भी क्या हो रहा है कि यहां भी जो अणु होते हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें अर्ध पारगम्य झिल्ली के आधार पर, तो यहाँ पर मोस्टली दो प्रकार की परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेंगी। जो परिभाषा है वो क्या कहलाती है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, ध्यान देना, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली क्या कर सकती है, केवल विलायक के अणुओं का
अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा केवल किसके विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे और समझेंगे भी कि क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा एक ऐसी झिल्ली, ठीक है, जो केवल किसको जाने देती है, विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलेय के अणुओं का क्या करती है, अपने से होकर नहीं गुजरने देती, विरोध करती है। तो इस तरह की झिल्लियां अर्ध पारगम्य झिल्लियां होती हैं और इसी को परिभाषा का रूप दिया गया है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है। ठीक है, जिससे होकर केवल विलायक के अणु जा सके, विलय के नहीं, समझ गए, तो वही क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें जो कि साइंटिफिक जो डेफिनेशन है, जो कि एक वैज्ञानिक परिभाषा है, क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि परासरण वह क्रिया है, परासरण बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसे, परासरण वह क्रिया है, परासरण एक क्रिया का नाम दिया गया है कि परासरण वह क्रिया है जिसके जिसमें होता क्या है, जिसमें जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या किए गए, पृथक किए गए भिन्न सांद्रता वाले दो घोल, ठीक है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, उसके इधर जो है वो अलग सांद्रता का घोल है, ठीक है, और इधर जो है वो अलग सांद्रता का घोल है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों में से जल के जल ही होगा वो, ठीक है, या जल की जगह आप विलायक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, घोलों में से विलायक के अणुओं का विस्तरण विलायक की, ये सब ध्यान रखना, उच्च सांद्रता वाले घोल से विलायक की निम्न सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा हो गई इसकी। क्या कहा गया है कि परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए भिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में से विलायक के अणुओं का जो विसरण है, इसे याद रखना कि विलायक के यानी कि जल के जो अणु होते हैं उनका जो विसरण है वो किधर से किधर होगा, विलायक की उच्च सांद्रता वाले घोल से, यानी कि उस घोल से होगा जिसमें विलायक के अणु ज्यादा होंगे। ठीक है, सांद्रता वाले घोल से विलायक की निम्न सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली भी हो सकती है, टोनोप्लास्ट भी हो सकती है, ठीक है, या पार्चमेंट पेपर यानी कि चरम पत्र भी हो सकता है, ये सभी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। और इधर मान लीजिए एक घोल है,
ओके, और इसके दूसरी तरफ भी एक घोल उपस्थित है। इस घोल में क्या होता है कि सांद्रता जो होती है विलायक की अधिकतम सांद्रता है, यानी कि सॉल्यूशन है ये घोल का मतलब। तो इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको, एक तो विलायक मिलेगा और दूसरी चीज मिलेगी विलेय, ठीक है। और इधर भी आपको सेम टू सेम यही कंडीशन मिलेगी कि क्या होगा, विलायक भी होगा और विलेय भी होगा। लेकिन यहां पर सांद्रता की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक लीटर घोल है, ध्यान देना इस चीज पे, क्या है ये एक लीटर घोल है, ठीक है। और इस एक लीटर घोल में हम क्या माने कि 900 जो मिलीलीटर है वो तो क्या है जल, और 100 ml जो है वो चीनी का घोल है, क्या है चीनी उपस्थित है, इस तरह की कंडीशन है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यहां 500, आप 700 कर लो कि 700 ml तो क्या है यहां पर जल उपस्थित है, और 300 जो ml है वो चीनी का घोल उपस्थित है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां सांद्रता में डिफरेंट हो गया, यहां जो है विलायक के अणु ज्यादा हैं, यहां विलायक के अणु कम हैं, ठीक है। यहां पर विलेय के अणु कम हैं और यहां पर विलेय के अणु ज्यादा हैं, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। फिर से सुन लीजिए कि यहां पर क्या है कि यहां पर विलायक की सांद्रता अधिक है, इधर विलायक की सांद्रता क्या है कम, लेकिन इधर विलेय की सांद्रता कम है और विलेय की सांद्रता इधर जो है वो अधिक है, समझ गए। तो इसे आप दो रूप से परिभाषित करते हैं। तो यहां पर क्या होता है परिभाषा के अनुसार कि विलायक के अणुओं का जो विसरण होता है वो विलायक की उच्च सांद्रता वाले घोल से, ये विलायक की उच्च सांद्रता वाला घोल है क्योंकि यहां विलायक के अणुओं का जो मात्रा है वो किस अनुपात में है 9:1 में, और इधर कितना है 7:3 के रूप में है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विलायक के जो अणु है वो ज्यादा है, इसलिए यहां पर विलायक यानी कि जो जल है उसका पराशरण किधर से किधर, विसरण किधर हो जाएगा कम घोल की ओर। तो यही कहा गया है कि विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है। लेकिन इस परिभाषा को हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, वो कैसे, वो समझ सकते हैं हम इस रूप में कि यहां पर अगर मैं परिभाषा को चेंज करना चाहूं तो दिमाग लगाइए कि क्या परिभाषा बननी चाहिए, सोचो। क्या परिभाषा बननी चाहिए बताइए, परिभाषा ये बननी चाहिए, फिर से मैं देखता हूं यहां पे फिर से कि दो घोलों में से, यहां से परिभाषा देखते हैं कि भिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में से विलायक के अणुओं का विसरण। अब यहां पर विलायक की उच्च सांद्रता की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिखेंगे हम यहां पर, लिख सकते हैं विलेय की निम्न सांद्रता, बोलो लिख सकते हैं या नहीं, विलेय की निम्न सांद्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, विलेय की निम्न सांद्रता। विलेय की उच्च सांद्रता वाले घोल की जगह हमने क्या लिख दिया, विलेय की निम्न सांद्रता वाले घोल से विलेय की उच्च सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है, ठीक है। तो डिफरेंट है ना इसमें दोनों परिभाषाओं में, तो इसको ध्यान रखेंगे कि एक तो ये इस रूप में होगी कि विलायक की उच्च सांद्रता वाले घोल से विलायक की निम्न सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है, लेकिन दूसरे रूप में क्या होगा कि विलेय की निम्न सांद्रता वाले घोल से विलेय की उच्च सांद्रता वाले घोल की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पर दूसरी जो परिभाषा वो मैंने लिख दी है, पहली ये थी, दूसरी ये परिभाषा थी, तीसरी आप सब खुद लिखेंगे, ठीक है, लिख दोगे। मैं बता देता हूं क्या लिखेंगे कि पराशर वह क्रिया है जिसमें अंत पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए भिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में से विलायक के अणुओं का जो विसरण है वो विलेय की निम्न सांद्रता वाले घोल से विलेय की उच्च सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से होता है, ठीक है। जहां सीधी सी बात है, जहां विलायक की उच्च सांद्रता होगी वहीं विलेय की निम्न सांद्रता होगी, ठीक है, जहां विलेय की निम्न सांद्रता होगी वहां विलायक की उच्च सांद्रता होगी, इस तरह, ठीक है, सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। इस चीज को आप अच्छे तरह से याद रखेंगे। तो नंबर थर्ड जो परिभाषा है इसकी वो आप खुद लिखेंगे, लिख देंगे बहुत अच्छी बात होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख सकते हैं। तीसरी परिभाषा सभी बच्चे लिखेंगे,
समझ गए। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि पराशरण जो होता है उसका क्या करें हम, कि पराशरण के लिए अगर आवश्यक चीज आपसे पूछी जाए। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं मैं, इस तीसरी परिभाषा के जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन होगा आपके लिए कि पराशरण के लिए क्या चीज आवश्यक है। पराशरण के लिए जो कंडीशन है उसे बतानी है आपको कि पराशरण के लिए क्या आवश्यक है, कि पराशरण कब संभव है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि पराशरण और विसरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन होगा, परिभाषा के जस्ट नीचे आप मुझे दो लाइनों में लिख के बता देंगे कि विसरण और पराशरण में मोस्टली अंतर क्या है। ये आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। ओके, इसके पश्चात हमारा है पराशरण का प्रदर्शन। अगर हम बात करें कि पराशरण की विधि जो है उसका डेमोंस्ट्रेशन अगर हम करें कि किस तरह से, तो टॉपिक डाल लेना पराशरण का प्रदर्शन, पराशरण का प्रदर्शन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, कैसे करते हैं, पराशरण का प्रदर्शन कि जो आपने हमने पढ़ा है इसे हम प्रायोगिक रूप से सत्यापित करने की कोशिश करते हैं कि पराशरण जो होता है उसे वास्तव में होता है या नहीं, या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रयोग होगा, प्रयोग को मैं चित्र बना रहा हूं और उसे शब्दों में आप खुद लिख लेंगे। क्या करते हैं कि चित्र अनुसार एक उल्टी थिसल कीप में, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक मेरे शब्दों को पकड़ना अच्छी तरह से, ये उल्टी थिसल कीप है। ठीक है, चित्रानुसार एक उल्टी थिसल कीप हमने ले ली और ये लो, ये थिसल कीप हमारे पास आ गई है। ठीक है, चित्रानुसार एक उल्टी थिसल कीप ले लेते हैं, ये हमने थिसल कीप ली है चित्रानुसार, और इस थिसल कीप में हम क्या भर लेते हैं, शर्करा का घोल भर देते हैं। किसका घोल भर देते हैं, चीनी का घोल भर देते हैं इसके अंदर, चीनी का इसमें घोल भर देते हैं, और जो इसका मुख होता है, ये वाला जो इसका मुख है इसे हम बांध देते हैं यहां से। ठीक है, किसके द्वारा बांध देते हैं, एक चरम पत्र के द्वारा बांध देते हैं हम इसे। किसके द्वारा बांध दिया हमने इसे, चरम पत्र के द्वारा या पार्चमेंट पेपर के द्वारा इसे बांध दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो उल्टी थिसल कीप है, इस थिसल कीप को हम किसके अंदर रख देते हैं, इसे हम एक पात्र में रख देते हैं, और जिस पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, मान लीजिए कि इसके अंदर क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी इसके अंदर हमने भर दिया। ठीक है, ये हमारा पात्र है और ये हमारा थिसल कीप है। आप इसे आप स्टैंड के द्वारा कस देते हैं ताकि ये हिले डुले नहीं, इधर उधर नहीं जाए। ये मान लीजिए कि हमने इसे स्टैंड के द्वारा कस दिया है। ठीक है, ये स्टैंड हो गया, यहां से यहां इसको बांध देते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से हम प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, हमने किया एक उल्टी थिसल कीप ली, उसमें शर्करा का घोल भर लिया। ठीक है, और जो हमने शर्करा का घोल भरा, उस शर्करा के घोल में, घोल में उल्टी जो थिसल कीप है इसका एक सिरा जो खुला हुआ रखते हैं मुंह, और उसे किससे बांध देते हैं, चरम पत्र के द्वारा उसके मुख को बांध दिया जाता है। और अब इस उल्टी थिसल कीप को हम किस में रख देते हैं, एक पानी से भरे हुए पात्र में रख देते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा जल है, ये क्या है, ये थिसल कीप है। ठीक है, और इसके अंदर जो भरा हुआ घोल है वो कैसा है, चीनी का घोल है। कैसा है, चीनी का घोल है, और ये जो है ये है चरम पत्र। ओके, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जैसे ही अब यहां पर जो चरम पत्र होती है, ये चरम पत्र किसकी तरह व्यवहार करती है,
ये चरम पत्र जो होती है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। और आपने पढ़ा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है वो केवल विलायक के अणुओं का विस्तरण करती है। किसके अणुओं का? विलायक के अणुओं का विस्तरण करती है। तो विलायक किधर जाता है? अब विलायक के अणु किधर से किधर गति करेंगे? विलायक के अणु करेंगे अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर। तो हम देखते हैं कि जिस पात्र के अंदर हमने जल भरा हुआ है वहां पर विलायक की उच्च सांद्रता है, यहाँ पर विलायक की कैसी सांद्रता है? उच्च सांद्रता है, ठीक है। जबकि थिसिल कीप में जो चीनी का घोल है वहां पर क्या है? विलायक की निम्न सांद्रता हो जाती है, ठीक है, विलायक की निम्न सांद्रता हो जाती है। जिसके कारण होता क्या है कि कुछ समय पश्चात जब हम इस प्रयोग का अवलोकन करते हैं, थोड़ी देर पश्चात जब इस प्रयोग का अवलोकन किया जाता है, तो आप देखते हैं कि यहां पर एक आप निशान लगा लेते हैं, पिन जो लेवल होता है इसके ऊपर इसे पिन कर देते हैं। और दूसरे चित्र में आप देखते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार का एक चित्र और होगा, ठीक है, उसमें आप देखते हैं ये पात्र मान लीजिए जो कि जल से भरा हुआ है, इसके अंदर ये उल्टी थिसिल कीप जो है सेम टू सेम है, लेकिन आफ्टर सम टाइम का ये और ये इसका मुख बंद कर दिया हमने, पास में इसके अंदर चीनी का घोल था जो कि पहले मान लीजिए कि यहां तक था, ठीक है। अब होता क्या है, इस सिदाई को देख लीजिए, मान लीजिए कि ये यहां तक था, लेकिन जैसे 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 पराशन की क्रिया आगे बढ़ेगी अर्थात विलायक के अणु होते हैं वो चरम पत्र को पार करके और थिसिल कीप के अंदर चीनी के घोल में प्रवेश करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि थिसिल कीप में घोल का जो आयतन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रयोग हो गया जो ये साबित करता है कि क्या साबित कर रहा है ये कि पराशन एक प्रक्रिया होती है जो कि संभव है और जो हमेशा किधर से किधर होती है, विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का जो प्रवेश होता है वही पराशन कहलाता है। इस प्रयोग को फिर से समझ लीजिए, बड़ा आसान प्रयोग है, कुछ ज्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हम उल्टी थिसिल कीप लेते हैं जिसके अंदर चीनी का घोल भर लेते हैं, उसके मुख को हम जैसे मैं शब्दों में बता रहा हूं ऐसे आपको शब्दों में लिखना है इसे। एक उल्टी थिसिल कीप लेते हैं, सुन रहा है, यहां से शुरू कर देना लिखना। एक उल्टी थिसिल कीप लेते हैं जिसके अंदर चीनी का घोल भर देते हैं, अब इसे हम स्टैंड की सहायता से एक पात्र के अंदर लटका देते हैं, ठीक है, जिस पात्र के अंदर जल भरा हुआ रहता है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं चित्र नंबर दो के अनुसार, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि विलायक के अणु होते हैं वो चरम पत्र को पार करके थिसिल कीप के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चरम पत्र जो है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है,